दर्शक साढ़ा तो तुम दे रहे हो आज तक आमने सामने। दोस्तों बात करें हिमाचल की, बात करेंगे यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है, लोग मिस गाइड हो रहे हैं, बड़ा कारण क्या है, एक्चुअल में फुल फैसिलिटी है या नहीं है, किसी का बड़ा क्या है, या हम किसी ऑफिसर से मैडम से बात करेंगे कि क्या है। मैडम यहाँ पर खोला अभी अब क्या क्या है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि सब कुछ खुल गया, यहाँ पर क्या खोला है हिमाचल में अभी, एंट्री कैसे है? सर देखो मतलब होटल फील है, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको मतलब जो एक तो पहले डिसाइड हो रहे हैं, उनको पता नहीं है कि मतलब यहाँ पर ही पास की नहीं होता है। जैसे लोगों को तो ये पता है कि सारा मेट्रोल इंडिया कुछ कर, जबकि ऐसा नहीं है, हिमाचल में होटल बिल्कुल फील है, उसका भी लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना। अभी हिमाचल बिल्कुल टोटल बंद है, टोटल बंद नहीं है, मतलब जैसे शॉप की उदाहरण ले लेते हैं। अब ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर कौन कौन सी गाड़ियाँ, जो कौन कौन से लोग एंट्री कर सकते हैं हिमाचल में? हिमाचल में सर जैसे पंजाब से लोग आ रहे हैं वो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उनके मतलब कंपल्सरी है पास। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैडम, आपने बहुत बढ़िया। जो लोग मिस गाइड हो रहे हैं उनका आप ये उनको किस तरह क्या मैसेज देना चाहते हैं मैडम आप? उनको हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब अभी तक तो सर एक तो ये भी था कि न्यूज़ में बताया जा रहा, न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि आप मुझे सारे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब लोगों को पास की जरूरत है, अगर किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाना पड़ेगा, तो सिर्फ पास पास मैडम, जब एंट्री यहाँ पर जो मेन लगाया है यहीं से पास है, आगे भी कहीं और भी है, बस यहीं से है। ये कौन सा बॉर्डर माना जाता है, क्या कहते हैं इसके आगे कौन सा बॉर्डर मिलेगा मैडम? इसके आगे आपको हिमाचल से आगे तो इधर मतलब मेन ये है कि पंजाब की एंट्री है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल दोस्तों मेन बॉर्डर यही है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, कुछ ऐसा भी है कि लोग मिस गाइड बहुत हो रहे हैं, बड़ा कारण क्या है, क्योंकि अभी तक सरकार की गाइडलाइंस भी कोई जनता तक नहीं पहुंच सकी। कैमरामैन के साथ एस के सिंह आज तक हमारे सामने हिमाचल। बिल्कुल दोस्तों हम बात करें तो पब्लिक से बात करेंगे, हम यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है लोगों, भैया भैया आपको दिक्कत आ रही है यहाँ पर, कोई किस परेशानी आ रही है? भैया दिक्कत है, टूरिस्ट इतना परेशान हो रहा है, पूरा इंडिया रुका हुआ है, ये इन्होंने अभी तक ई पास लगाया, ई पास अप्लाई किया हुआ, अप्लाई कर रहे हैं, आ नहीं रहा, एस डी एम साहब को फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे, ठीक है, पेमेंट लेने जानी है इनके, हिमाचल से भी तो जा रही है पंजाब में, समस्या सिर्फ आपको आ रही है, जो लोग ई पास बना के जा रहे हैं उनसे तो किसी को कोविड नहीं है, उनको पता है उनको कोविड नहीं है, जो ई पास उनको दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। हमें को ये कह रहे हैं कोविड, मैंने कल वैक्सीन लगवाई है, परसों चौथ मैं इनको दिखा सकता हूँ, मैंने वैक्सीन, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको एंट्री दे बॉर्डर की, क्या दिक्कत है? सरकार कह रही है ना कि बॉर्डर में वैक्सीन में हमारे दम है, तो ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको एंट्री दे हम जगह। बिल्कुल दोस्तों, अगर जिनकी वैक्सीन लगी है वो तो इनके बन चाहिए, उनको एंट्री होनी चाहिए। ई पास का मतलब ये नहीं कि आप वैक्सीन से राहित हैं, आपको वैक्सीन जरूरी है, मगर जहाँ पर हिमाचल में बॉर्डर की बात करो तो काफ़ी लोगों को परेशानी आ रही है। आइए दिखाएंगे पूरे हिमाचल में और भी गाइडर, कैमरा मैन सोनू के साथ आज के सक्सेना।